और हमसे सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। आप तैयार हैं? बिल्कुल पूछो, जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे जवाब देते जाएंगे। हाँ, तो ऐसा है कि मिलेट्स का हिंदी में शब्द क्या है? मिलेट्स का हिंदी में शब्द तो मैं नहीं बता सकती, मैं संस्कृत में जरूर बताऊंगी। इसको तृण धान्य, क्योंकि तृण यानी घास, और घास से उगते हैं ये सारे अनाज, उनके सीड्स होते हैं, तो तृण धान्य यानी कि घास का उपजा हुआ अनाज। और दूसरा है कूधान्य। कूधान्य इस जिसमें जिसको हम बाकी ग्रेन से थोड़ा सा छोटा मानते हैं, कू इज छोटा, तो कूधान्य। जरूरी नहीं कि ये छोटे हो, न्यूट्रिशन में काफी ऑप्टिमम होते हैं, फिर भी संस्कृत में इनके दो नाम है, तृणधान्य और कूधान्य। तो अगर मिलेट्स की हम शुरुआत समझें तो ये मिलेट्स हमारे पास सबसे पुराने हैं या हमारे पास आटा और चावल सबसे पुराने हैं? मिलेट्स की खेती ना बड़े हजारों साल से होती आ रही है, और इनकी खेती करनी भी नहीं पड़ती, ये अपने आप घास में उग जाते थे, और एक जमाने में ये चारा हुआ करते थे, फॉडर थे कैटल्स के, तो जो मेहनत कष्ट थे वो इसको खाते भी थे। अब क्योंकि न्यूट्रिएंट डेंस थे तो सारे फॉडर्स के रूप में आपके गाय भैंस बकरी इनको भी दिया जाता था। मुझे एक बात बोलनी है कि आयुष मिनिस्ट्री ने ये मिलेट्स को एक अच्छा सा नाम दिया है, उसको दिया है श्री धान्य, जो आपकी हेल्थ बढ़ाते हैं, तो अगर आपको हिंदी में नाम चाहिए तो उसको श्री धान्य कहते हैं। बड़ा बढ़िया नाम है ये। और श्री धान्य में कौन से धान्य आते हैं? श्री धान्य में आपका आता है ज्वार, बाजरा, रागी, एक है बार्नयार्ड मिलेट यानी के सामा के चावल या वरी के चावल जिसको कहते हैं, एक है फॉक्सटेल मिलेट जिसको हम कहते हैं फॉक्सटेल कंगुनी, संस्कृत का नाम है कंगुनी, उसका यूज बहुत होता है। एक है प्रोसो मिलेट जिसको कहते हैं चीना, उसका उपयोग बहुत होता है। तो ये कोदो मिलेट बहुत यूज करते हैं, तो ये आमतौर पे यूज होने वाले मिलेट है। कुछ मिलेट में नहीं है फिर भी यूज होते हैं, वो है बकवीट या कुट्टू कहते हैं उसको, राजगीरा जो कि अमरंथ के सीड है, लोगों को लगता है मिलेट है पर वो एक छोटे पौधे का बीज है, तो इनका भी उपयोग बहुत होता है। ये फर्क कैसे किया जाता है वैसे, कि ये दिखने में सब वैसे ही लगते हैं तो सब कहते हैं कि चलो ये मिलेट्स में ही आ गए? पोएसी फैमिली घास की फैमिली से निकलने वाले हैं, वैसे जो घास वाले हैं वो मिलेट्स हैं, और जो अमरंथ है वो घास नहीं है, वो एक छोटा सा श्रब है, तो उसका श्रेणी ये बॉटनी के तौर पे है, पर मैं आपको मोटा मोटा ये समझा सकती हूँ। और ये जो मिलेट्स हैं ये पहले तो खाते थे, पहले बहुत श्रम किया करते थे लोग, बहुत मेहनत कश लोग थे, मतलब फिजिकल जिसको कहते हैं फिजिकल मेहनत, अब वैसा नहीं होता। तो हम जब ये खाते हैं मिलेट्स तो ये हमें कितना खाना चाहिए क्योंकि हम पचा पाएंगे, क्योंकि उतनी मेहनत तो हम करते नहीं बाहर फिजिकली? ये वाला सवाल सबसे बढ़िया है। आयुर्वेद क्या मानता है मिलेट्स के बारे में? हमने तो कह दिया कि ये तृण धान्य है, घास से होता है, पर घास से उगने के बावजूद एक दो अनाज छोड़ के सारे ही गुरु है, यानी पचने में हैवी है। आप जब खाएंगे थोड़ी भी क्वांटिटी खाएंगे तो उसको पचने में ज्यादा टाइम लगता है। अब ये सब कहते हैं कि मिलेट्स में बहुत सारे फाइबर है, उसमें बड़ा सारा कैल्शियम है, आयरन है, तो न्यूट्रिशन डेंसिटी जितनी ज्यादा है कि इतने छोटे छोटे अनाज भी पचने में गुरु है, इसीलिए वह ये उन्हीं के लिए हितकर है जिनका पचन संस्थान बहुत मजबूत है, जो अच्छी तरह पचा पाते हैं। जिनका डाइजेशन वीक हो उनको हम कहेंगे कि खाएं, लेकिन सोच समझ के थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाएं, पेट को आदत दें पहले इसकी। इंट्रोडक्शन क्या होता है, हमको मिक्स एंड मैच करना है। आयुर्वेद को नित्य सेवनीय आहार नहीं मानता। जब मैं कहती हूँ नित्य सेवनीय कि आपका डेली यूसेज में नहीं होना चाहिए, तो आप इसको बहुत स्मार्टली इंट्रोड्यूस करें, और जब भी कोई हैवी चीज खानी हो तो लंच में खाएं, जब आपका पाचक पित्त एकदम उत्तम अवस्था में होता है, इट्स इन द ऑप्टिमम क्वांटिटी। सो ड्यूरिंग लंच जो दोपहर का वक्त है उसमें आपका डाइजेशन अपने ऑप्टिमम पे होता है, तो अगर आपको जो हैवी खाना है आप खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट पे होता सबसे सबसे हैवी? ब्रेकफास्ट का बड़ा
क्यूट वर्जन है आयुर्वेद का, आयुर्वेद में ब्रेकफास्ट की मान्यता नहीं है। तो हमारे 24 घंटे तीन दोषों में डिवाइडेड है, हमारे तीन बायो एनर्जीज है, एक है वात, एक है पित्त और एक है कफ। अब तीनों ही बायो एनर्जीज यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। जो वायु है, जो आपका वायु संसार में जो ब्रीज है, एयर है, उससे पकड़ ले। दूसरा है हमारा पित्त। पित्त ना सूर्य से रिलेटेड है, जो सूर्य की ऊष्मा बाहर है, पित्त की ऊष्मा शरीर के अंदर है। और तीसरा है कफ, जो चंद्रमा से रिलेटेड है, तो चंद्रमा की जो शीतलता है वो आपके कफ की शीतलता है। और ये तीनों बायो एनर्जीज आपके शरीर का सारा संचालन करते हैं, मेरा खाना पीना सोचना, मेरी धड़कने, मेरी सांसें, मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरे शरीर का आकार, ये सब इन तीनों बायो एनर्जीज पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए सुबह का जो काल है, सुबह 6 से लेके 10 बजे तक का, वो कफ का काल है। जब मैंने कहा कि चंद्रमा की तरह कफ शीतल होता है, शांत होता है, गुरु होता है, अग्नि बल इतना नहीं होता, तो इस टाइम अगर आपको नाश्ता करना है ना, तो कुछ हल्का खाए, कुछ सूप जैसा खाए, खिचड़ी ले लें, थोड़ी सी दाल ले लें, गर्म पानी पी लें, तमन्ना आपकी, पर उस वक्त हैवी मील नहीं खाना चाहिए। पित्त का काल शुरू होता है 10:30-11 से लेके 2 बजे तक। तो ये वो टाइम है जब आप अच्छा भरपूर खाना खाएं, जिसमें सब कुछ हो, आपका आप प्रोटीन कह लें, कार्ब कह लें, हम कहते हैं रोटी सब्जी दाल चावल अचार पापड़ दही सब होना चाहिए। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव, साथ में है हमारे डॉक्टर मनीषा मिश्रा जो MD आयुर्वेद है विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। हम दोनों एक शो करते हैं चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा, जहाँ पर हम आयुर्वेद की बातें करते हैं, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल की बातें करते हैं। हम बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। पहले तो बहुत चीजें जो अवेलेबल होता था हमारे आसपास वही हम खाते थे, लेकिन अब दुनिया नजदीक आ गई है, हम जो खाना चाहें एक फोन पे हमें मिल जाता है। लेकिन क्या हमारा शरीर तैयार है ये सब खाने के लिए? खाना चाहिए, लेकिन कितना खाना चाहिए ताकि आपको अपचन ना हो, आप बीमार ना पड़े और सारी जिंदगी भरपूर अच्छा खाते पीते स्वस्थ रहें। हाँ, अब बात हो रही है मिलेट्स की। अब मिलेट्स जो है, ये जो हमारे तृण धान्य है, इनका मुख्य काम है कफ और पित्त को बैलेंस करना, पर ये सारे ही वायु की वृद्धि करते हैं, बात करें, क्योंकि इसमें रुक्षता बहुत है, बहुत ड्राइंग है मिलेट्स। अगर आप दो ही ऐसे धान्य हैं जिनमें रुक्षता कम है, एक है आपका चीना जिसमें स्नेह है, दूसरा है रागी। रागी का बड़ा सुंदर संस्कृत नाम है नर्तकी, जो मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है राजेश्वरी तुम्हारे सामने, बिकॉज जैसे सब जानते हैं शी इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डांसर। थैंक यू। मुझे ऐसे शोज करना बड़ा अच्छा लगता है, बराबर वक्त पे कॉम्प्लीमेंट आता है, विच इज नाइस। जो हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच विंटेज वाइब्स, थैंक यू सो मच, हेलो टू यू जी। अब जैसे बात पित्त ये दोषों की बात की, तो क्या जितने हमारे अलग अलग डाइवर्स मिलेट्स हैं, ऐसा होता है कि इस प्रकार के दोष वालों को इस ये वाला मिलेट खाना चाहिए, उस प्रकार के दोष वालों को अलग मिलेट खाना चाहिए, वो ज्यादा आसानी से पचा सकते हैं? तो अभी हम एक एक मिलेट लेते हैं, मैं उसका थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ। सो दैट जो हम आमतौर पे खाते हैं वो है ज्वार। ज्वार की रोटी सब जगह बनती है। ज्वार रुक्ष है, लघु है, थोड़ा नरिशिंग है, और जिनको एसिडिटी है ना उनके लिए बड़ा सूटेबल है ज्वार, क्योंकि ये शोषण करता है। पित्त के दो प्रकार है, एक सीने में जलन होती है और एक खट्टी खट्टी उल्टियां आती है। जिनको ये खट्टी उल्टियां आती है, जिनका पित्त थोड़ा फ्लूइडी है, लिक्विड है, उनके लिए ज्वार बहुत ही अच्छा काम करती है पित्त सेटल करने में। ज्वार और एक जगह काम करती है जहां पे आपको स्किन डिजीजेस बार बार होती है बिकॉज आपका पित्त बिगड़ा हुआ है, वहां ज्वारी का बड़ा काम आता है। और ऐसी अवस्था में दूसरा एक धान्य जो बहुत यूजफुल है, पीपल एसिडिटी एंड इंडाइजेशन, उनके लिए रागी या नाचनी, अभी आई थिंक फिंगर मिलेट्स कहते हैं, अंग्रेजी के नाम फट से याद नहीं आते। ये 12 महीने खा सकते हैं या इसके लिए सीजन होता है? ये सारे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे मिलेट्स होते किस टाइम पे है?
तो जवार, रागी, ये सारे ना एक्सट्रीम टेम्परेचर झेल जाने वाले मिलेट्स हैं। इनको पानी कम लगता है, इनका तैयार होने का टाइम 60 से 100 दिन है, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। जहां एरिड है, जहां मतलब हफ्ते में दो बार पानी नहीं मिलता, यहाँ पे भी ये पनप जाते हैं। तो ये सारे समर्स में आप देखेंगे इनका हार्वेस्ट होता है। आपका जवार हो गया, आपकी रागी हो गई, एक बाजरा ही है जो विंटर्स में आता है और विंटर फूड है जब, और बाजरा इकलौता गर्म भी है, बट और बाजरा हाई टेम्परेचर भी झेल जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आप देखेंगे राजस्थान की तरफ है, और वहां पे आपको बाजरे के बड़े सारे दाल बाटी चूरमा, बाजरे का चूरमा, आई थिंक एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर, बाजरे के लड्डू, देयर मेनी थिंग्स मेड देयर। सो दीज थिंग, दीज मिलेट्स कैन सस्टेन वेरी हाई टेम्परेचर। एक और भी अच्छी चीज मैंने पढ़ी थी कि अगर आपको मूंग दाल में कीड़े नहीं लगने देने, कि आप कोई पेस्ट आके कि नहीं खा जाए, तो उसको ज्वार या बाजरा के साथ रख दे तो उसको कीड़े नहीं लगते, बिकॉज ऑल दीज आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट, इनको पेस्टिसाइड भी कम लगता है। दीज मिलेट्स डू नॉट नीड पेस्टिसाइड, दे जस्ट ग्रो। घर में राशन अगर पूरे साल का भर के रखें तो हमें कुछ उस पर रखना, नीम के पत्ते ये वगैरह कुछ रखने की जरूरत नहीं है, टिक जाते, कीड़े नहीं लगते। गुनाना जो कहते हैं ना, वो मिलेट्स में बहुत कम होता है। अच्छा, शेल्फ लाइफ अच्छी है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, किसी भी जगह, मतलब वाइल्ड फ्लावर है, अपनी मर्जी कहीं भी उग जाते हैं और आपको पोषण देते रहते हैं। तो जैसे यू वर जस्ट गोइंग बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, कि जवार जैसे जिनको पित्त की प्रॉब्लम है वो जवार खाएं, बाजरा इनको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बाजरा ना। बाकी सारे मिलेट्स ठंडे हैं, इकलौता बाजरा एक गरम है मिलेट में, और दुर्जर उसका संस्कृत में नाम है, दुर्जर, जरा यानी पचाना और दुर यानी दुखदायी, मेहनत से पचता है, तो उसके लिए आपकी अग्नि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जिनको एसिडिटी होती है वो हमेशा, उनका डाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहता है, तो बाजरा उन लोगों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। बाजरा दुर्जर होने के कारण कॉन्स्टिपेटिंग भी है। मैं ये सब सुनती रहती हूँ कि अरे फाइबर है कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फाइबर को भी पचाना पड़ता है, सॉल्युबल हो इनसॉल्युबल हो। और ये जो सारे मिलेट्स है ना, इनका एक मुख्य प्रॉपर्टी है रुक्षता, ड्राइनेस, तो ये शरीर में जाते हैं, आप समझिए बिना पानी के उग रहा है, जहां उग रहा है तो पानी कम लगता है, तो ये जहां भी रहता है पानी सोखता है, आपके शरीर का भी पानी स्नेह दोनों सोखता है, तो काफी कॉन्स्टिपेटिंग है। मैं काफी सारे मिलेट्स लोगों को कहती हूँ कि जिनको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये द्रव शोषता है, पर उन लोगों के लिए जिनको IBS में लूज मोशंस होते हो, कि आपने खाया और लूज सा मोशन हो गया, आपके स्टूल्स वेल फॉर्म नहीं होते हैं, उनके लिए मिलेट्स बहुत अच्छे हैं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन के साथ IBS है, IBS के टाइप्स हैं, IBS-D यानी के जिसको IBS में डायरिया होता है, एक IBS-C जिसको IBS में कॉन्स्टिपेशन होता है, एक IBS-M जो मिक्स्ड होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, तो जिनको डायरिया और मिक्स्ड है वो मिलेट्स खा सकते हैं, पर जिनको कॉन्स्टिपेशन के साथ IBS है वो मिलेट से दूर रहे, वरना ड्राइनेस की वजह से बहुत जोर लगा के छोटी छोटी प्लेट्स में पॉटी होती है। मतलब सारे मिलेट्स अक्रॉस द बोर्ड, द ओनली थिंग आई विल सजेस्ट विच इज अ गुड For people who have constipation, which is really good, is ragi. Ragi. Oh, we must take this question. मेरे पति हैं ऑनलाइन, वरुण बडोला पूछ रहे हैं, अगर बाजरा गर्म है तो राजस्थान में लोग क्यों खाते हैं? सही क्वेश्चन है। राजस्थान में एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं, और ये विंटर फूड है, मैं फिर से बोलूंगी ये विंटर फूड है, इसको आपको मिलता ही इसी 4 महीनों में है, तो अगर आप मिलेट्स देखें तो सीजन बाजरे का विंटर है, और उसमें राजस्थानी लोगों के खाने में घी भरपूर पड़ता है। हाँ। घी के साथ खाते हैं, आपको जब मिलेट्स खाते हैं तो उसका वार्म्थ ये घी, उसका ड्राइनेस ये घी बैलेंस कर लेता है। डिवाइन यूनिवर्स बनती है। हाँ, डिवाइन यूनिवर्स पूछ रहे हैं, मैम आई एट मिलेट्स एंड गेन्ड वेट, क्वांटिटी वाज हाफ फर्स्ट फॉर 2 मील्स विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, बट स्टिल गेन्ड वेट,
क्या मिलेट्स वजन बढ़ाता है? अब आपने कौन से वाले मिलेट्स खाए हैं मुझे नहीं पता। अगर मैंने कहा रागी स्निग्ध है, इकलौता ऐसा है जिसमें स्निग्धता है, दूसरा है चीना जो स्निग्धता थोड़ा सा आपके शरीर को फैट देता है, ये दो में ही फैट कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब ड्राई 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 है। गुरु है, तो अगर आपने गुरु आहार ज्यादा मात्रा में ले लिया तो वो आपको वजन बढ़ाएगा ही ना। आपने क्वांटिटी आप लिख रहे हैं कि वॉज हाफ फिस्ट, मतलब आधी मुट्ठी आपने खाया इन फॉर टू मील्स विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स बट स्टिल गेन्ड वेट। दो तीन चीजें हैं, व्हेन यू आर टेकिंग मिलेट्स दे नीड फैट, एंड बहुत इतना कम लेने के बावजूद अगर आप आपका वजन बढ़ रहा है तो प्लीज चेक वेदर योर मेटाबॉलिज्म नीडेड मोर फूड, बिकॉज व्हाट हैपेंस इफ यू आर फास्टिंग, देयर इज अ चांस दैट कार्बोहाइड्रेट गेट्स कन्वर्टेड टू फैट बिकॉज इट फील्स कि शरीर को खाना नहीं मिल रहा, लाओ मैं इसको बचा के फैट में कन्वर्ट कर लूं। तो अगर आपने बहुत ही कम लेना शुरू किया है तो भी तकलीफ है, तो आप इसको थोड़ा बढ़ा के खाएंगे दो ही बार तो आपका वजन कम होने लगेगा क्योंकि आपने बॉडी को फास्टिंग मोड में डाल दिया। सो बेसिकली ये है कि आयुर्वेद के बारे में मैं ये चीज समझ गई हूँ कि हम एक जेनरिक बातें हम कर सकते हैं कि ये खाएं ये ना खाएं, लेकिन क्योंकि हर एक का नेचर जो है, बॉडी टाइप है वो अलग है, तो आपके लिए एक वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक टू योर डॉक्टर एंड सी कि आपका बेसिकली नेचर क्या है, क्या दोष है आपका, किस दोष के हैं आप, और उस हिसाब से फिर आप खाएंगे तो शायद आपको आपके सवाल का प्रॉपर आंसर मिलेगा। आई थिंक डॉक्टर आल्सो विल नॉट बी एबल टू आंसर एंटायरली जब तक पता ना हो कि आप डिवाइन यूनिवर्स में। आपको एक मिलेट की सलाह दूंगी जो चरकाचार्य कहते हैं कि कार्श्य करने वाला, सबसे उत्तम वजन कम करने वाला, वो है गवेधुक या एडले मिलेट। आप ये खाना शुरू करें, यू विल लूज वेट, बट आई वुड वॉन्ट टू नो कि आपका वेट थायराइड की वजह से बढ़ा है कि डायबिटीज की वजह से बढ़ा है, आप सेडेंट्री हैं क्या। कई बार थायराइड में मिलेट्स काम नहीं करते बिकॉज दे स्टॉप द दे एक्चुअली इंटरफियर विद थायराइड मेटाबॉलिज्म, उसमें बाजरा सबसे आगे है, द पोल मिलेट। सो वी कम टू दैट पार्ट ऑफ आवर टॉक कि मिलेट्स का जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं आजकल उस पे कैसा असर होता है। अब डायबिटीज की आपने बात की, डू यू वांट टू ऐड टू दिस अबाउट थायराइड? सॉरी नो, वी विल स्टार्ट विद डायबिटीज। थायराइड, तो डायबिटीज में आई वुड रिकमेंड ऑल द मिलेट्स फॉर वन रीजन। मिलेट्स हाँ गुरु है, हैवी टू डाइजेस्ट, तो और जब ये खाते हैं बिकॉज देयर इज फाइबर, तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि आपने जब खाना खाया तो तुरंत शुगर स्पाइक नहीं होगा, इट विल टेक टाइम फॉर शुगर टू राइज, दो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आसान हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, मतलब कि जब ग्लूकोज निकलेगा तो इंसुलिन आएगा उसके साथ जुड़ेगा और उसको सेल तक लेके जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का वही काम है कि वो हाथ से ग्लूकोज को पकड़ता है, बोलता है चलो सेल के पास क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने का काम सारे मिलेट्स का है। रेकमेंड पर अगेन रोज नहीं खाना है, यू हैव टू चूज योर डेज, चूज योर टाइमिंग एंड वैरायटी इंट्रोड्यूस करिए। किसी दिन बाजरा खा लिया, किसी दिन ज्वार खा लिया, किसी दिन रागी ले ली, किसी दिन गवेदुक ले लिया, किसी दिन श्यामा चावल श्यामक या सामा या वरी के चावल ले लिए। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से इसको खाते। मिक्स्ड ग्रेन जो हम खाते हैं इसके बारे में क्या कहोगे? क्या हमें इन सबको मिक्स करके खाना चाहिए या अलग अलग दिन पकड़ के आज के दिन ये खाया तो ये, अगले दिन खाया तो वो, व्हाट इज बेटर? अलग अलग दिन अलग अलग अनाज, इसका रीजन है हम ना बहुत सारी चीजें मिक्स करने का आप देखेंगे आयुर्वेदिक कुकिंग में नहीं है। हम दाल लेंगे, चावल लेंगे, गेहूं लेंगे, दाल लेंगे, दूध डालेंगे, पर हम कभी चार अनाज मिक्स करके मिक्सचर नहीं बनाते हैं, बिकॉज हर अनाज को पचने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस लगते हैं, कोई बहुत हल्का होगा, कोई बहुत भारी होगा, और इन सब का मिक्सचर लेके जब आप शरीर में डालेंगे, रोटी बनाएंगे, तो एवरीथिंग नीड्स डिफरेंट टेम्परेचर टू कुक। आपने अगर मिक्स अनाज की खिचड़ी बना ली तो आप देखेंगे कई बार बाजरे कड़े लगते हैं, बाकी कुछ चीजें पक जाती है, सो वो कड़ी चीज जाके आपके डाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज करेगी ही, तो आई डू नॉट रिकमेंड।
लेकिन जैसे जवार है तो जनरली मैंने देखा है कि जवार के साथ लोग चावल का आटा मिक्स कर देते हैं, डज दैट वर्क और नो, या वो भी नहीं करना चाहिए? आइडियली नहीं करना चाहिए, पर दोनों ऑलमोस्ट, जवार इज नॉट वेरी हेवी टू डाइजेस्ट एंड चावल इज लाइट एज आई टेल ऑलवेज एंड आई लव राइस, तो मिक्स कर सकते हैं। लोग करारे पन के लिए शायद डालते हैं, पर जवार अपने आप में करारी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कर लिया तो ठीक है। अच्छा, डायबिटीज का तो बता दिया, थायराइड का हम तो डिस्कस कर रहे थे किसी और के साथ, तो थायराइड वालों को क्या खाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए तो कितना, कब, कैसे? थायराइड वाले रागी ले सकते हैं, बाजरा से दूर रहे। जवार भी ये जब बाजरा जवार इंट्रोड्यूस करना है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, बिकॉज उनको भी पता होता है कि किस किस थायराइड की कंडीशन में, माइल्ड है, सिवियर है, आप हफ्ते में कितनी बार खा सकते हैं, बिकॉज खाना और मेडिसिन दोनों रिलेटेड है। अगर आपका खाना अच्छा है तो मेडिसिन की नीड नहीं है, पर अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और आपका थायराइड लेवल्स के हिसाब से आपको वो दो मिलेट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। पर आप रागी ले सकते हैं, आप वरी के राइस खा सकते हैं, आप चेना खा सकते हैं, तो दूसरी चीजें जो हैवी हैं पर स्टिल आर लाइक राइस कैन बी ईट। हार्ट डिजीज में मिलेट्स कितना काम आते हैं? शोषक है। अब हार्ट डिजीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक चिपचिपापन बढ़ने की, और ये कफ पित्त शामक है। कफ यानी स्नेह और चिपचिपापन। अब ये चिपचिपापन किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल जाके कहीं चिपक जाता है, और ये सारे मिलेट्स, काफी सारी स्टडीज हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स रेगुलेट करता है, हार्ट डिजीज में ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सारे मिलेट्स में मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। अब ये मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जिससे कि ब्लड कैपिलरीज आराम से डायलेट हो जाती है, मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड, तो ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। मैग्नीशियम नींद भी अच्छी लाता है, तो कई बार हार्ट डिजीज स्ट्रेस से रिलेटेड होती है, तो अगर आप हफ्ते में 2-3 बार मिलेट्स का कोई भी पदार्थ खा रहे हो, आपकी रोटी हो, उपमा हो, तो वो आपको मैग्नीशियम सप्लाई करता है इन गुड अमाउंट, तो रिकमेंडेड है इन हार्ट डिजीज, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम IBS डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत में, किसी बहाने से IBS बीच में आ गया था, वुड यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू IBS कि IBS के पेशेंट्स को कितने रेगुलरली खाना चाहिए मिलेट्स? तो ये देखा गया है IBS कई लोगों में फूड इंटॉलरेंस की वजह से होता है, और बेसिक इंटॉलरेंस है ग्लूटेन का, जो आपको मिलता है गेहूं में, कुछ अमाउंट में ओट्स में, तो ये सारे खाना वो नहीं खा पाते हैं, और ऐसे लोगों में जो मिलेट्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड। बट अगेन, कौन सा टाइप का IBS? जिनको डायरिया हो, या जिनको डायरिया कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होता हो, जिनको हैवी कॉन्स्टिपेशन है वो सिर्फ रागी खा सकते हैं घी के साथ, बाकी मिलेट्स से वो दूर रहे, खाना भी है तो 2-3 हफ्ते में एक बार। जिनका स्ट्रेस रिलेटेड IBS, तो आजकल मैंने देखा है बहुत बार जब सडन कोई ऐसी खबर आती है या कोई सिचुएशन होती है जहाँ स्ट्रेस बढ़ जाता है, उस वक्त सडनली IBS की प्रॉब्लम आती है, टेम्पररी प्रॉब्लम होती है, तब क्या करना चाहिए? तब मिलेट्स खा सकते हैं। मिलेट्स में एक और तत्व होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक प्रीकर्सर टू सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन एक कामिंग हार्मोन है, तो ट्रिप्टोफैन लेवल्स आपके मिलेट्स में काफी अच्छे होते हैं। मैं फिर भी रेकमेंड करूंगी कि रागी और जवार, ये दो मिलेट्स पे ही आप ज्यादा जोर दें। बहुत मन करता है तो वरी के चावल, वरी का उपमा आप खा सकते हैं, दैट आल्सो हेल्प्स। सलीम अख्तर पूछ रहे हैं कि बंबई में वेयर टेम्परेचर्स आर वार्म एंड ह्यूमिड, व्हाट टाइप ऑफ मिलेट्स कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट एन इश्यू? सारे मिलेट्स ठंडे होते हैं बाजरा छोड़ के, है ना, तो आप जवार, रागी, बार्नयार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोदो मिलेट, सब अल्टरनेट डेज, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, जैसा आपका हेल्थ कंडीशन है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ऑल आर रिकमेंडेड। अच्छा, हमारे देश में भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई है, मोटापे की प्रॉब्लम हो गई है, बड़ों में भी और बच्चों में भी ज्यादा, तो क्या बच्चों को जो उनके टेस्टी चावल और गेहूं से थोड़ा अलग करके मिलेट्स इंट्रोड्यूस करें या सिर्फ मिलेट्स पे रखें?
दोनों टाइम मिलेट्स देने की जरूरत नहीं है, आप एक टाइम दिन दिन से शुरू करें. ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ न्यू अनाज इन द डे टाइम. आप उसके उनको छोटे छोटे चीले बना के दे सकते हैं. आप उसका वॉट ऑल ढोकला, आई हैव सीन रागी का सत्तू भी बनता है. आप सत्तू दे सकते हैं, रागी का सत्तू मार्केट में मिलता है, आप वो खिला सकते हैं बच्चों को. आप मिलेट्स टू रिड्यूस ओबेसिटी जरूर दें, क्योंकि ओबेसिटी पे मिलेट्स का बहुत वर्क है. आयुर्वेद मिलेट्स को संतर्पण जन्य विकारों में लेने की सलाह देता है. आप संतर्पण जन्य विकार कौन से हैं? सबसे पहला है ओबेसिटी. संतर्पण यानी ओवर फेड, अंडर नरिश्ड. आपको आपने ज्यादा खा लिया है, नरिशमेंट अच्छी नहीं है, तो संतर्पण में आप मोटे हो जाएंगे, आपको प्रमेह या डायबिटीज हो जाएगा, आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी, आपको कई बार तंद्रा, आलस, लेजीनेस ये रहेगा. तो ये सारे संतर्पण जन्य विकार जब होते हैं तो आप मिलेट्स का उपयोग बिल्कुल करें. संध्या सिंह पूछ रही है, पीसीओडी हो किसी को, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो ये मिलेट्स खा सकती हैं? बिल्कुल खा सकते हैं. तो पीसीओडी भी संतर्पण जन्य विकारों में अब आने लगा है, क्योंकि सिस्ट तभी बनते हैं जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सिस्ट बनना यानी कफ की वृद्धि हो गई शरीर में, और कफ तभी बढ़ता है जब आपने बहुत ज्यादा ऐसा आहार खा लिया हो जो जिसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा हो, कहीं कहीं जाके सेटल हो जाए. तो सिस्टिक डिजीज में मिलेट्स बिल्कुल रिकमेंडेड है. आपको जो पसंद है वो ले लें. बाजरा आपको खाना है तो क्वांटिटी कम करके खाएं, हफ्ते में 2 बार. और ये जैसे कि कहा है प्रेफर्ड है कि दिन में खा लें कि ये हजम हो जाए। अच्छा, हमको ये भी पता है कि जब हम ये खाते हैं मिलेट्स तो हमें घी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि घी की मात्रा बढ़ाने की बात करें, लोगों को ऐसा लगता है कि घी खाना तो बहुत डेंजरस है, प्लीज इस पे थोड़ी रोशनी डालें। आप घी कब विलेन बन गया हमको पता ही नहीं चला. घी सच अ सात्विक फूड. जब हम लोग मुझसे पूछते हैं आयुर्वेद में सात्विक बताइए, राजसी बताइए, तामसी बताइए, घी और दूध सात्विक आहार में आते हैं. अब घी नित्य सेवनीय आहार है, मतलब डेली यूज में नीडेड है. घी एक स्नेह है जो कि लैक्टोज फ्री है. अब जो कई लोग कहते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट है तो उसमें लैक्टोज है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, घी है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगा. सबको ये समझने की जरूरत है, घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता. कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में लिवर बनाता है. ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज फ्रॉम लिवर. पर अगर आप खराब खाना खा रहे हैं, आपके शरीर में स्नेह नहीं जा रहा इतना, तो इट गोज इनटू ओवरड्राइव ऑफ प्रोडक्शन. दूसरी चीज, अगर आप बहुत शुगर खा रहे हैं, शुगर्स गेट कन्वर्टेड टू फैट मोर देन दिस फैट बाय इटसेल्फ. फैट इनफैक्ट हमारी बुक्स में लिखा है कि फैट खाने से फैट लॉस होता है, बिकॉज योर बॉडी डज नॉट गो इन टू ओवर ड्राइव ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग. इट डज नॉट गो इन टू फास्टिंग मोड कि उसने कार्ब खाया, मैंने आज रोटी खाई और उसको लग रहा है कि ये अभी 2-3 दिन उपवास करेगी, लेट मी कन्वर्ट इट टू फैट. तो दैट ऑल्सो डज नॉट हैपन. तो आपका शुगर थ्रू प्योर शुगर या कार्ब कोलेस्ट्रॉल ड्राइव करता है, घी नहीं ड्राइव करता. घी आपको पोषण देता है, घी आपके इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है, घी आपके सेल को लिपिड्स प्रदान करता है, घी आपकी मेमोरी के लिए अच्छा है, घी आपकी आंखों के लिए अच्छा है, घी आपकी त्वचा के लिए अच्छा है. मैं घी के गुणगान करती थक जाऊंगी. सो गुड. और ऑलमोस्ट 10 to 20 ml घी आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है. आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका जो बुद्धि है वो 70% फैट है. आपका हर एक सेल का सबसे बाहर का लेयर इज फैट. अगर आपने उसको कम खाया तो आपके शरीर में इतनी रुक्षता आएगी, हेयर फॉल तो होगा ही, आपके कार्टिलेज सूखने लगेंगे, जो स्नेह तत्व है शरीर का वो कम होता जाएगा. तो जॉइंट पेन, हेडेक, ड्राई स्किन, और सुंदर स्किन किसको पसंद नहीं है. सबको चाहिए कि तेजोमय स्किन हो. तो घी लगाएंगे और खाएंगे तो स्किन विल ऑलवेज लुक नाइस. क्योंकि माइग्रेन्स लोगों को होते हैं और माइग्रेन्स में हमेशा कहते हैं कि पेट खाली नहीं छोड़ना चाहिए,
लेकिन क्या मिलेट्स हैवी हो जाएंगे, विल दे ऐड टू माइग्रेन या वो माइग्रेन रिड्यूस करें? तो माइग्रेन्स आर ड्यू टू जो ब्लड वेसल्स टू ब्रेन जाते हैं उनका कंस्ट्रिक्शन की वजह, वो संकुचित हो जाते हैं, ब्लड फ्लो रुक जाता है, अचानक रेस्टलेसनेस हो जाती है ना, आपको एक ऐसा सरदर्द शुरू होता है जो 2 से 3 दिन भी रह सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट में कई लोग मैग्नीशियम लेते हैं और ये मिलेट्स में आपको मिलता है। बाजरा और रागी इज रेकमेंडेड फॉर पीपल हु हैव माइग्रेन्स बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स ईज। कई बार माइग्रेन पित्त की वजह से होते हैं और रागी पित्त शामक है, मैंने पहले ही कहा है। तो अगर आप रागी की रोटियां खाते हैं, मैन यू हैबिचुअल कंजम्पशन हफ्ते में 3 बार, या जब माइग्रेन का अटैक आए तो याद से आप चावल या रागी ही खाएं, घी लगा के खाएं, तो आपका माइग्रेन आप देखेंगे धीरे धीरे सूद होने लगे। आई थिंक हमें ये समझ आ गई है कि जो मिलेट्स हम भूल गए थे इतने सालों बीच में, और हम यूं कहते अरे ज्वार की रोटी बड़ी मेहनत करनी पड़ती, चबा चबा के खाओ, अरे बाजरा इजी होता है, गेहूं की रोटी खाओ इजी होता है, चावल खा लो इजी होता है, पाव खा लो, ब्रेड खा लो, हम सब खाते हैं, लेकिन मिलेट्स जो वापस आए हैं ये जरूरी है हमारे लिए। इसमें आयरन वगैरह सब मिलता है, हमारे बच्चों को खिलाते खिलाते थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन आदत हम डाल रहे हैं कि दिस इज अ गुड थिंग टू हैव। सो फ्रैक्चर्स हो, तो जब आप आयरन की बात करें तो कैल्शियम रिच भी बहुत है, तो अगर फ्रैक्चर्स हो तो आप ये प्रोजो मिलेट या रागी इनका सेवन करें, क्योंकि ये भग्न संधान कर है, ये आपका फ्रैक्चर हीलिंग में काम आते हैं बिकॉज दे आर रियली रिच इन कैल्शियम, आयरन तो है ही, तो ये दोनों चीजें आपको मिलेट से मिल जाती हैं, तो इनका खाना जरूरी है इफ यू हैव हैड फ्रैक्चर्स। मैम, इन वन ऑफ योर शॉर्ट्स यू रेकमेंडेड स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल विथ ल्यूक वार्म वाटर फॉर कॉन्स्टिपेशन, बट एज माई बॉडी इज टूवर्ड्स इजी वेट गेन, विल इट लीड टू द सेम? सो आई हैव मेंशन 10 ml ऑफ 1 टेबल स्पून आप ऑयल लें गर्म पानी के साथ, तो ये सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए है, नथिंग विल गेट एब्जॉर्ब सो मच। 1 चम्मच तेल, आपके 1 से 2 चम्मच तेल शरीर की रिक्वायरमेंट है। याद रखें कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो रहा है कि आपकी अतड़िया या इंटेस्टाइन रुक्ष है, शिथिल है, आपका वायु डिरेंज है, और इन सबको ठीक करने के लिए स्निग्धता चाहिए या उष्णता चाहिए। तो गर्म पानी के साथ आप घी, कई लोगों को उसका टेस्ट नहीं पसंद है, और अब इंडिया में सब कोई घी खाता है, पर ऑलिव ऑयल पे स्टडी है जिनको माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन है और हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, उनमें ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। ऑलिव ऑयल वर्जिन ले, और ऑलिव ऑयल कंजम्पशन से कोई भी कोलेस्ट्रॉल या वेट नहीं बढ़ता है। इट इज अ हेल्दी ऑयल टू हैव। आई डोंट रिकमेंड इट फॉर कुकिंग क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट लो है, पर आप उसको अपने ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं, अपने सलाद में डाल सकते हैं, अगर आप घी नहीं खाना चाहते तो रोटी पे ऑलिव ऑयल डाल के खा सकते हैं। नहीं, बट ये हमने कहा था कॉन्स्टिपेशन वाले शॉर्ट में कि जिनको मॉर्निंग में प्रॉब्लम होती है वो सुबह चाहें तो 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लें, तो आप कच्चा ऑलिव ऑयल लें और उस पर गर्म पानी पी लें, सो इट विल जस्ट ईज आउट। हाँ, ईज आउट द मोशंस। और ये याद रखिए कि ये रोज रोज करने की बात नहीं है, आपने एक बार रेगुलेट कर लिया 5 6 दिन लगातार लेके, तो लेट योर बॉडी नाउ डू इट बाय इटसेल्फ, यू कांट गिव इट क्रचेस ऑलवेज। यस, सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड मिलेट्स टुडे इन ग्रेट डिटेल, और ये एक ऐसा डिस्कशन है जो चलता ही रहेगा क्योंकि हर बार कोई ना कोई एक बात आएगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ जाते जाते एक बात मैं जानना चाहूंगी कि मिलेट्स का जैसे हम लोग चीले बना लेते हैं, रोटियां बना लेते हैं, और किस किस तरह से क्या क्या बनाया जा सकता है? ज्वार की मिलेट्स खिचड़ी मैंने सुना बड़ी अच्छी बनती है, मैंने कभी बनाई नहीं। जवार की खिचड़ी, हाँ, काफी लोग बनाते हैं। जवार की बनती है, बाजरे की बनती है, एंड इट इज कुक्ड एट इजी पेस। बिफोर वी गो टू रेसिपीज, आई वांट टू टेल किन्होंने मिलेट्स का सेवन नहीं करना चाहिए, जानना बहुत जरूरी है। तो जो लोग दुबले पतले हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये रुक्षता और शरीर में से स्नेह खींचने वाला है, गुरु है, तो वो ना खाए। जिनका डाइजेशन बहुत पुअर है वो ना खाए। जिनको वात विकार है, अब वात विकार में क्या आता है, संधिशूल, ऑस्टियो आर्थराइटिस,
आई डोंट रेकमेंड कि वो मिलेट्स खाएं, जिनको बार बार कहीं ना कहीं कभी पेट दुख गया कभी पीठ दुख गई, ऐसे लोग भी मिलेट्स नहीं खाएं। 80 प्रकार के वात विकार हैं जिसमें कि पक्षाघात यानी पैरालिसिस भी आता है, मैं उनको भी नहीं रेकमेंड करती कि वो खाए। जिनको अजीर्ण है कि सुबह का खाया रात तक पड़ा है पेट में और दे डोंट फील हंग्री, दे शुड ऑल्सो नॉट कंज्यूम मिलेट्स। इफ दे वॉन्ट टू स्लोली इंट्रोड्यूस वन स्पून बाय वन स्पून, एक चौथाई रोटी खा के देखे उनका उस दिन कैसा डाइजेशन रहा है, और उसको हमेशा किसी स्पाइस के साथ लें, अदरक हो या थोड़ी हींग हो, सौंठ हो, काली मिर्ची हो, इनके साथ ही उसका सेवन करें, सो दैट इट इज डाइजेस्टेड बेटर। यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट लवी, दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या जो पतले दुबले हो उन्हें नहीं खाना चाहिए। नाउ अब सपोज समबडी लाइक मी जो वजन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मैं खाती हूँ, बिकॉज माई रीजन फॉर हैविंग इट इज आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, राइट right? तो फिर क्या ये डिसएडवांटेज है या उसको लिमिट में खाएं तो करेक्ट हो जाएगा? लाइक मैं द शब्द यूज करती हूँ जिनमें कार्श्य है, जो अंडर वेट है, व्हेन आई एम सेइंग दुबले पतले पीपल हु आर अंडर वेट, इफ यू हैव अ हेल्दी वेट एज पर योर हाइट आप खाओ ना, आप रागी खा सकते हो, आप चावल खा सकते हो, आप छामा का चावल खा सकते हो, आप बार्नयार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट सब खा सकते हो। जाते जाते एक क्वेश्चन, क्योंकि रेसिपी पे बात करने वाले थे वो खत्म होना है। हाँ सॉरी, हमको रेसिपी पे बात करनी थी, क्या क्या बना सकते हैं। रेसिपी से पहले, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कैसे बनाते हैं, सबको पता है, बात करेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि मेनोपॉज में वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस स्टार्ट सेटिंग इन, तो क्या मेनोपॉजल वुमेन शुड हैव मिलेट्स और ड्राई नहीं करेगा बॉडी को? ओके, मेनोपॉज में मैं सिर्फ एक ही मिलेट अप्रूव करती हूँ, वो है रागी, बाकी सब बहुत ही वायुकर है। और औरतों में जब ये मेनोपॉज स्टेज आता है वायु की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, वायु का काल शुरू हो जाता है इनका, हर चीज का क्षय है, कैल्शियम कम हो रहा है, ब्लोटी है, गैसी है, बाल झड़ के हाथ में आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे मिलेट्स इंट्रोड्यूस करना इज नॉट अ वेरी गुड थॉट। पर हफ्ते 15 दिन में एक बार खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, रागी आप हफ्ते में 3 बार खा सकते हैं। ओके, रेसिपीज बता दो फटाफट, अब मजे से बात करें ना कि अच्छा अच्छा कैसे खाएं, उससे हम एंड करेंगे आज का डिस्कशन। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं अच्छा अच्छा खाने के लिए। अच्छा अच्छा खाने के लिए एक तो पहले याद रखिए कितने भी इसमें न्यूट्रिएंट्स हो, मिलेट्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी भर भर के पड़े हुए हैं, तो अगर आयरन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, आयरन भी भरा है पर उसमें टैनिंस भी भरा है जो वहीं जाके आयरन की एब्जॉर्प्शन रोक देता है। ओके, तो इट इज फुल ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स, देयर आर फिनोल्स, देयर आर टैनिंस। अब इन सबको दूर किए बिना आपको इसके फायदे नहीं मिलने वाले, वही सारा आता है कि हाउ टू कंज्यूम मिलेट्स। तो जब भी आपको मिलेट लेना हो, अगर आप घर पे पका रहे हैं, आटा आ गया है तो भी आप उसको गर्म पानी में सोक करें, पर अगर आप इसकी खिचड़ी बना रहे हैं या उसको घर में डोसा बना रहे हैं तो उसको कम से कम 6 से 8 घंटा गर्म पानी में भिगोए, सो दैट ऑल दीज फाइटेट्स एंड एंटी न्यूट्रिएंट्स आर रिमूव्ड इन वाटर। ओ, ये तो पता ही नहीं होता। हाँ, लो हम उधर ही तुरंत भिगोते हैं या पाउडर लेके आते हैं, पानी में घोलते हैं, खा जाते हैं। एंड जो उसका गुरुता इसी बात की है कि आपके पास न्यूट्रिशन पैक तो है, एंटी न्यूट्रिएंट्स भी है, और दोनों को पचाने की क्षमता अगर आपकी नहीं है, अगर आप पहलवान नहीं है तो आप इसमें झिल जाएंगे। तो इसको भिगा के खाना जरूरी है। चक्की से पीस के आटा ले आऊं तो कहां से भिगा कर रखूं? वो चक्की वाला तो पहले हम ऐसे इस पे डरते थे, हाँ। तो वैसे वाला तो नहीं मिलता, पर चक्की से अगर आप पीस के लेके आते हैं तो उसको जब भी दीजिए थोड़ा सा रोस्ट करके दीजिए अपना अनाज, तो दैट बिकम, तो उसमें थोड़े से एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। आप उसको गर्म पानी में उसका आटा बनाइए तो निकल जाते हैं। दूसरी अगर तुम कहते हैं गर्म पानी में गूंद के खाया करो, हाँ। दूसरी चीज, आप उसको थोड़ी देर गर्म, अगर आप उसके डोसे बना रहे हैं थोड़ी देर गर्म पानी में भिगा के ऊपर का पानी निकाल दे एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग, इफ लेट इट सिट फॉर सम टाइम एंड रिमूव द वाटर ऑन टॉप देन ऑल्सो यू कैन यूज इट, इट विल बिकम स्लाइटली फर्मेंटेड। सो दीज आर द वेज ऑफ यूजिंग इट। इसलिए मैंने कहा कि सत्तू बना लें, क्योंकि सत्तू रोस्ट करके बना जाता है एंड दैट ऑल्सो इज अ वे
of improving the absorption of all these millets and making it lighter to digest. बाकी जिस तरह से बनाकर खाना खा लो, बस इस बात का ध्यान रखो कि वो थोड़ा सा रोस्ट किया हो या थोड़ा भिगो करके खाया हो या थोड़ा सा उसको चला लो या गर्म पानी में गूंद के स्पाइस अप कर लो। अब कई बार ना हम ये सारे मिलेट्स जो सामा का चावल है, वरी का चावल है, कोदो का चावल है, लोग उपवास में खाते हैवी तो है, पर आप उसके साथ ये उपवास में उसमें कोई स्पाइस नहीं पड़ती। एक चावल बना लेते हैं, उसको दूध या दही के साथ खा लेते हैं। यू नीड टू स्पाइस इट अप। आप उसमें थोड़ी मिर्ची, जिंजर, इन सब के साथ पकाएंगे तो इट बिकम्स इजी टू डाइजेस्ट। उसके बाद नहीं पकाया तो कम से कम उसकी चटनी साथ में रखें सो दैट यू कैन ईट इट। इसी चटपटी चटनी के बाद हम आज का ये डिस्कशन यही खत्म करते हैं। यू मस्ट जॉइन अस ऑन आवर चैनल चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा, जहां हम ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी वाली बातें करते हैं, डे टू डे लाइफ की बात करते हैं और छोटी छोटी चीजें जो हम रोज खाते हैं हमारे किचन में होते हैं। हम खा तो लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि कितना कब कैसे खाएं जो हमारी सेहत के लिए सही हो। ऐसी बातों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए एंड यू कैन ऑफकोर्स राइट टू अस। हमारा ईमेल आईडी भी है chitchatrajlavi@gmail.com। हमारा इंस्टाग्राम भी है, वहां पर भी हम कुछ कुछ बातें करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे हमारी चर्चा थोड़ी लंबी होती है। और आप सुने, आप जुड़े, हमें अच्छा लगेगा। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। यस, प्लीज सो मच फॉर जॉइनिंग। यस यस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इफ यू हैव एनी हेल्थ क्वेरीज, आप उसके लिए भी हमें लिख भेजें, हम जरूर मदद करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।